हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है और वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जहां जनरल डायर की गोलियों से हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हाथों से निकलकर उठी पर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए,
क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं, आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसी विशाल ब्रिटिश हुकूमत 20-25 साल के नौजवानों के आगे झुक गई और उनकी मांगे सारी पूरी हुई। मगर काल को कुछ और ही मंजूर था। स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत की सजा दी गई। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की, हम एक बार गले मिलना चाहते। हाथ खोल दो। मेरे वतन के लोग,
आंख में भर लो पानी जो शहीद